कोविड-19 का प्रहार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पैंडेमिक के चलते कश्मीर हाई कोर्ट आज और कल यानी 16 और 17 को 2 दिन के लिए बंद किया गया ताकि संक्रमण जो है वो आगे ना फैलने पाए। इससे पहले जम्मू का जो हाई कोर्ट है जेके हाई कोर्ट वो भी 2 दिन के लिए बंद हुआ था। उससे पहले भी काफ़ी जो प्रभावित जो है वो हाई कोर्ट परिसर में हो गया था। तो यानी पैंडेमिक अपना लगातार जोर बढ़ाता जा रहा है, ना केवल हाई कोर्ट्स में बल्कि जम्मू कश्मीर के हर एरिया में इस समय लगातार कोरोना वायरस के संक्रमित मामले बढ़ते जा रहे हैं, डेथ्स बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर जम्मू बार एसोसिएशन, जिस तरह से हमेशा से जन समस्याओं को लेकर आगे आता है, एक बार फिर जम्मू बार एसोसिएशन चाहती है कि कहीं ना कहीं 1-2 हफ्ते का लॉकडाउन और लगाया जाए। क्या इस पर विचार है और क्या मंशा है जम्मू बार एसोसिएशन की, इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट एडवोकेट अभिनव शर्मा जी। अभिनव जी, सबसे पहले आपको स्वागत है। किस तरह से जस्टिफाइड करेंगे इस 2 हफ्ते के लॉकडाउन को और क्यों इसको ज़्यादा फोर्स कर रही है बार एसोसिएशन? देखिए अमित जी, आपने पिछले तकरीबन 2-2.5 महीने से देखा कि पॉजिटिव केसेस कितने अमर्ज होकर बाहर आ रहे हैं। जम्मू डिवीज़न के लोग एग्जाम्पल देते थे कश्मीर डिवीज़न की कि कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की गिनती एज कम्पेयर टू जम्मू 4 गुना ज़्यादा है जी। और अब पोजीशन रिवर्स हो चुकी है जी। मतलब पिछले तकरीबन 1 महीने से अभी आप ये नहीं कह सकते कि जो रैपिड टेस्टिंग है कि उसका लेवल बहुत बड़ा चला गया है जी। लेकिन जो भी रैपिड टेस्टिंग हो रही है, आप देखिए एट एन एवरेज 1,000 के करीब लोग पर डे पॉजिटिव आ रहे हैं। बिल्कुल, और बड़े लोग रैपिड टेस्टिंग नहीं भी करवा रहे, राइट। और डेथ रेट देखिए, आज की न्यूज़ जो कवरेज है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट या सोशल मीडिया में, 11 डेथ जम्मू में है और पीछे भी आप पूरे हफ्ते की डिटेल देख लीजिए, टोटल जो डेथ्स हैं J&K UT में 1,000 टच करने जा रही है, 900 क्रॉस कर चुकी है। तो SOP की जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है, कितने लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने इंस्टीट्यूशंस उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं जी। हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें, आप कई जगह सोशल मीडिया पे आप ही के पोस्ट आए होते हैं जी। DC ऑफिस फलाना डिस्ट्रिक्ट या SDM ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही। अभी JEE NEET के जो एग्ज़ाम हुए जूनियर इंजीनियर्स के, इंजीनियरिंग के, आपने देखा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस थे, लेकिन जब एग्जाम देके लोग बच्चे बाहर आए, ना सोशल डिस्टेंसिंग थी ना मास्क था। तो ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए और इससे ऊपर जो जम्मू मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हालत है, मैं तो वहाँ गया नहीं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया उसको कवर कर रहा है, जो जनरल पब्लिक की ऑब्जर्वेशन है, जो ओपिनियन है, उसको देखते ये लग रहा है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, इतनी मैनेजमेंट है नहीं, तो सिचुएशन अलार्मिंग है, सीरियसली अलार्मिंग है। तो ये चीज़ें सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए, बड़ी अपने सीने पे पत्थर रखते हुए ये एक स्टेटमेंट दी है, एक डिमांड की है कि इस चेन को ब्रेक डाउन करने के लिए या इस चेन को कुछ हद तक रोकने के लिए, ये मिनिमम सोचा तो 1 महीने का था, लेकिन बैलेंस करते हुए मिनिमम 2 हफ्ते का लॉकडाउन, ये मैंने समझा बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैंने स्टेट से डिमांड की है कि 2 हफ्ते का मिनिमम लॉकडाउन डिक्लेयर करना चाहिए। सर, लेकिन आपको लगता है कि क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा है, नो डाउट कि ये नीड ऑफ द आवर है कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन गरीब तबका अभी तक जो हमारे खासकर रेड़ी फड़ी वाले हैं वो अभी तक अपनी रेड़ी फड़ी लगा भी नहीं पाए हैं, और अगर 2 हफ्ते का हो जाता तो समस्या कहीं ना कहीं बढ़ेगी, तो सरकार को भी सोचना चाहिए इस विषय में। देखिए, मेरी समझ के मुताबिक 3 या 4 किस्म के लोग हैं जो पैंडेमिक में अपनी लाइवलीहुड कमा सके हैं जी। एक तो वेजिटेबल वेंडर, बिल्कुल, फ्रूट वेंडर, ग्रासरी शॉप होल्डर्स जी, या केमिस्ट। आप ट्रांसपोर्ट देखिए, टोटल खत्म हो चुका है। होटल इंडस्ट्री देखिए, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। रेस्टोरेंट देखिए, खत्म हो चुके हैं। जिनको आप ढाबाज बोलते हैं, बंद। कपड़ों का शोरूम और बाकी भी बिजनेसमैन और वकीलों की हालत भी आपके सामने ही है। लेकिन मैं ये आपको कहूं कि जैसा आपने कहा गरीब आदमी, गरीब की डेफिनेशन अलग तरह की है। एक है बिलो पॉवर्टी लाइन, एक है अबव पॉवर्टी लाइन। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए तो गवर्नमेंट, आपको पता है, फ्री राशन और सब्सिडाइज्ड राशन
5-5 महीने का एडवांस दे चुकी है जी। जो लेबर क्लास है उसको आप पता है कितनी सारी एनजीओज, पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस उनको राशन पहुंचा रही है जी। राइट। अब पोजीशन ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि गरीब आदमी के लिए लॉकडाउन फर्दर एक्सटेंड करना मुश्किल है जी। लेकिन मैं आपको ये कहूँ, गरीब आदमी बचेगा तो कमाएगा ना, गरीब आदमी बचेगा तो कमाएगा। अगर गरीब फैमिली में एक ही ब्रेड अर्नर है, खुदा ना खास्ता उसी को कोविड पॉजिटिव हो गया, वो अगर आ गया जी, तो जो आपको मेडिकल फैसिलिटी जम्मू कश्मीर में मिल रही है तो कितने परसेंट चांसेस हैं उसके रिकवर करने के, उसकी जो केयर करने के। तो अगर गरीब रहा ही नहीं तो कमाएगा कहाँ से। ये लॉकडाउन जो है ये सिर्फ अमीर आदमी के लिए नहीं, ये गरीबों के लिए है। जान सभी की बराबर है, संविधान में लिखा है कि गरीब और अमीर आदमी की जान एक बराबर है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइवलीहुड। आपको लगता है कि इसमें सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है, खासकर हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जिस तरह से हालांकि प्रिंसिपल साहब का मैंने इंटरव्यू लिया था वो हर बातों को डिनाई कर रहे थे, लेकिन सिचुएशन शायद जो दिख रही है उससे ज़्यादा वर्स्ट है इस समय। देखिए, यहाँ तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का सवाल है, मेरा अपना ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन अभी से नहीं, कोरोना वायरस या कोविड 19 ये तो फरवरी या मार्च में जम्मू इंडिया में ये इसका प्रकोप बढ़ा है जी। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की हालत मेरा पिछले 15 साल से ओपिनियन है, इट्स नो मोर वर्थ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इसकी हालत इतनी खस्ता थी, इतनी खस्ता है, आप कोविड सिचुएशन को तो क्या रूटीन में भी यहाँ पे पेशेंट्स को वो फैसिलिटी, वो ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी जो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलनी चाहिए। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रेस्टिजियस प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जीएनके का, लेकिन इसकी हालत इतनी खस्ता है कि मैं ये कह रहा हूँ आपको, 15-20 साल पहले गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था इसको अपग्रेड करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से कोई स्टेप्स नहीं लिए गए। और कोविड में तो इसकी हालत इतनी खस्ता है कि अब फ्री फॉर ऑल सिचुएशन है। सर, जिस तरह से जम्मू बार एसोसिएशन ने यह भी डिमांड की है कि नारायणा हॉस्पिटल को भी कोविड बना दिया जाए और क्वारंटीन सेंटर बना दिया जाए, लेकिन अभी भी लोगों के आरोप ये हैं कि वहाँ पे सिर्फ वीआईपी कल्चर चल रहा है, सिर्फ नेताओं के और बड़े बड़े अफसरों के वहाँ पे इलाज हो सकते हैं, अदरवाइज एक लोकल मैन का वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, मैंने पहले भी बयान दिया, मैं आज भी रिपीट कर रहा हूँ, नारायणा हॉस्पिटल कटरा, ये इसको गवर्नमेंट, ना सिर्फ नारायणा हॉस्पिटल बल्कि जितने भी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो क्लिनिक्स हैं, गवर्नमेंट के भी इवनिंग क्लिनिक्स हैं, यहाँ पे 20-20, 22-22 साल से एक एक डॉक्टर पोस्टेड है, वो सभी डॉक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से हैं। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब के नोटिस में ये लाना चाहता हूँ कि ये जो इवनिंग क्लिनिक्स हैं ये एक खिलवाड़ है जनता के लिए। ये इवनिंग क्लिनिक्स कहीं 89-90 में खुले थे या उससे पहले खुले थे? इवनिंग क्लिनिक्स का कोई कंसेप्ट, कोई जरूरत नहीं रही है। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स या और इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट्स, उनके वार्ड्स या उनके रिलेटिव्स वहाँ पे पोस्टेड हैं पिछले 15-15, 20-20 साल से, मतलब जिनका घर इवनिंग क्लिनिक से 500 मीटर दूर है। ज़रा इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, कौन कौन डॉक्टर्स वहाँ पे पोस्टेड हैं, कितने इवनिंग क्लिनिक्स हैं जम्मू में और कितने डॉक्टर्स वहाँ पोस्टेड और कब से पोस्टेड हैं। ये एक खिलवाड़ है जनता के साथ। और मैं आपको ये कहूँ, जितने अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ये गवर्नमेंट को मार्च में ही एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर्स डिक्लेयर करने चाहिए थे और जनरल पब्लिक के लिए करने चाहिए थे, ना कि वीआईपीज के लिए। मैं ये नारायणा के लिए कह रहा हूँ आपको, नारायणा के लिए। देखिए, आपने पहले भी पूछा, मैंने पहले भी कहा, वहाँ पे वीआईपी भी गए, वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स भी गए, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स ने ये कभी नहीं कहा कि आप सिर्फ हमें ही यहाँ पे ट्रीट कीजिए। ये नारायणा हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट का कसूर है जिन्होंने गरीब जनता या आम पब्लिक को डिनाई की वहां पे एडमिशन। इसमें पॉलिटिकल लीडर्स का कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि ऊपर से कहीं इंस्ट्रक्शंस हैं, तो अगर ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं इन पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और आप मुझे आज जो मैंने स्टेटमेंट दी है कि नारायणा हॉस्पिटल को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर डिक्लेयर करना चाहिए जनरल पब्लिक के लिए, लेकिन मुझे अभी आज ही एक मीडिया से जवाब आया कि वो कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने रेट्स इतने रखे हैं कि जनरल पब्लिक शायद वहां अफोर्ड ना कर सके, कि 3.5 लाख रुपया 10 दिन का उन्होंने रखा है। मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि
कि गरीब लोगों का भी इलाज अच्छे हॉस्पिटल्स में हो, तो कृपया करके ये मापदंड थोड़ा इनमें रिलैक्सेशन दीजिए। एक गरीब आदमी, एक आम आदमी जो लोअर स्टेटा से बिलोंग करता है सोसाइटी का, वो 3.5 लाख रुपया, जैसे मैंने सुना है, अगर ये बात सच है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस पर रिव्यू होना चाहिए। सर लास्ट में क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ अभी डिमांड की गई है या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास कोई मेमोरेंडम भी देने जा रहे हैं किस तरह की? देखिए, मैं अलजी साहब से पहले भी मिला था, आज से 15 दिन पहले वो जम्मू आए थे, उनके नोटिस में मैंने सारी बातें लाई थी और मैंने उनको ये कहा था कि आप अभी आए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज J&K पे नहीं के बराबर हैं, बदकिस्मती से किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया और हमें आपसे तवक्को है कि आप इस पे वार फुटिंग पे काम करेंगे, और उन्होंने एश्योर भी किया था। मैं देखिए एक आप बात कहूँ, अभी मैं 4 दिन पहले रतन टाटा जी की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, उन्होंने कहा था 2021 जो है इसमें आप एक गोल रखिए, ये ठान लीजिए कि ये हमारे लिए वो साल है जिसमें हमने अपनी जान बचानी है, और जान बच गई ये सबसे बड़ा फायदा है। जिंदगी जो है ये सिर्फ बेनिफिट्स या नफों के साथ नहीं भरी हुई, इसमें नुकसान भी है, और सबसे बड़ा फायदा क्या है, जान है तो जहान है। अगर गरीब की जान रहेगी तो वो आगे कमाएगा, अगर गरीब फैमिली का ब्रेड अर्नर कमाने वाला ही मर गया तो वो गरीब फैमिली कहाँ जाएगी। इसीलिए ये सब कुछ देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मैंने ये डिमांड की है कि मिनिमम 2 हफ्ते का लॉकडाउन जो है वो इम्पोज होना चाहिए। वो क्यों? कि जो एक चेन है वो ब्रेक होगी या उस पर लगाम लगेगी। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो अनरेगुलेटेड ट्रीटमेंट चल रही है, लोगों को ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल रही, गवर्नमेंट को थोड़ा उसको स्ट्रीमलाइन करने का मौका मिलेगा, और नए इंस्टीट्यूट्स क्रिएट किए जाएं, प्राइवेट हायर किए जाएं, और एग्जिस्टिंग जो है उनको अपग्रेड किया जाए। राइट, आपने देखा आज से 1.5 महीना पहले अगर 1 कोरोना पॉजिटिव जम्मू में आता था, पक्का डंगा में आया तो बारबड़ वायर लग गई, सरवाल में आया तो बारबड़ वायर लग गई, जानीपुर आया तो रेड जोन डिक्लेयर हो गया। राइट, अब कहीं बार बार वायर नहीं दिख रही, क्यों? कहां कहां लगाएंगे, हर घर में कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं लोग, तो इसका क्या मतलब है? एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने हाथ खड़े कर चुकी है। होम क्वारंटाइन इसलिए रखा गया है कि आपको हॉस्पिटल में इतनी जगह नहीं है, खुद प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने परसों बयान दिया कि हमारे पास 33 बेड थे। लेकिन सर, एक आम पब्लिक का अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे हमने कल ही एक वीडियो दिखाई कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल में टेस्ट, कोविड टेस्ट हो रहे थे और लोग वहां पर हजूम से एक दूसरे के साथ चिपक के अपनी रिपोर्ट्स आगे दे रहे हैं। ये जो डायरेक्शंस दी जाती हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, ये किसी के अपने मफाद के लिए नहीं है, हमारी जान के लिए, हमें भी चाहिए कि हम उस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ तो खड़े कर गया है, लास्ट में जब हाथ खड़े कर देगा उसके बाद भी हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ऑन करनी। देखिए, हमारी एक आदत बन चुकी है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट के हम भी हिस्सेदार हैं। मैं नहीं तो मेरा भाई, मेरी बहन गवर्नमेंट में मुलाजिम है। राइट, हम गवर्नमेंट के SOP को कितना फॉलो कर रहे हैं? ठीक, गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक। हम लोग गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, हम सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करें, गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उनको फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, घर से तब बाहर निकलें जब अगर ज़रूरी है। मुझे बताइए, आप भी रोज़ पूरी जम्मू सिटी में घूमते हैं, कवर करते हैं दुकानों में, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग में। जब ये नया नया आया था, मुझे तो ये लगता है हम लोग रियलिटी में कम विश्वास करते हैं और जो दिखावे में ज़्यादा। ठीक, सोशल डिस्टेंसिंग भी कई बार, देखिए कुछ लोग मीडिया के सामने आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, जैसे ही मीडिया हटता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता। कुछ लोग इंटरव्यू देते हैं तो पहले हैंड सैनिटाइज करते हैं, उनसे ये पूछा जाए कि इंटरव्यू से पहले आपने कितनी बार हैंड सैनिटाइज किए गए। ये हम लोग, हमारी एक हिपोक्रेट सोसाइटी है, हम दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं। राइट, सिर्फ गवर्नमेंट से मांगना नहीं, गवर्नमेंट को कुछ देना भी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को अगर एक अमीर आदमी कंट्रीब्यूट कर सके तो गवर्नमेंट वो कंट्रीब्यूशन गरीब आदमी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सके। बताइए कितने लोग टैक्स पेयर्स हैं, मैं जम्मू की बात करता हूँ, कितनों ने कंट्रीब्यूट किया गवर्नमेंट को, कितनों ने PM केयर में कंट्रीब्यूट किया, कितनों ने गरीब आदमियों को राशन बांटा? ठीक, जिन्होंने बांटा भी उन्होंने पे सोशल मीडिया पे अपना फेस दिखाया। मुझे बताइए, एक
गरीब आदमी को आप 5 किलो आटा या चावल देते हैं, उसको कहते हैं मीडिया की तरफ, कैमरे की तरफ फेस जूम करो, ये कहाँ की कहाँ की सोशल सर्विस है। तो मैं ये कहता हूँ आपके माध्यम से कि हम वो करें जो हमें करना चाहिए और वो दिखाएं जो हम कर रहे हैं, तो अगर वो करें तो उससे बड़ा कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जी एंड के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने एक फैसला लिया और एक मांग की है कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन जो है वो जम्मू में रिक्वायर्ड है और उसे जल्द से जल्द लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बार एसोसिएशन की अपनी एक सोच है कि जान है तो जहान है, और बहुत अच्छी बात एडवोकेट अभिनव जी ने की है कि यदि हम गवर्नमेंट से लेने की उम्मीद कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ देने की उम्मीद भी करें, और सपोर्ट से ज़्यादा कुछ नहीं देना है, खाली SOPs को फॉलो करना है, इसको कंटिन्यू करना है, मास्क पहनना है और गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ताकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही है, उस एफर्ट्स में हम भी अपना एक योगदान दें और इस पैंडेमिक से फाइट करने के लिए कहीं ना कहीं अग्रसर हो पाएं। फिलहाल आप जुड़े रहिए स्टूडियो न्यूज़ के साथ, मुझे अनिमित कुमार और पिंकल मेहरा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।